मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में 70 स्थानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रदेश में उज्जैन जिले के नागता के दुर्गापुरा इलाके से 4 लोगों को जो है पूछताछ उनकी की गई। योगेश भाटी से पूछताछ की, इनमें एनआईए की टीम ने दिल्ली के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े मामले में पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस मुख्यालय में रॉकेट दागने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 11 आरोपी में से 2 उज्जैन और नागता में रुके थे, जिसके बारे में एनआईए की टीम पूछताछ बाद बाहर निकली। जिसके बाद हमने योगेश भाटी से बात की, जिसने मीडिया को बताया कि मेरा नाम इस केस में लिया जा रहा है, मेरा उस केस से कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा, तो आपको बता दें कि नागदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जो है एनआईए की टीम ने दिल्ली के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मामले में पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि मुख्यालय में रॉकेट दागने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 11 आरोपियों में से 2 को जो है उज्जैन और नागदा में ये लोग रुके थे, और इन्हीं को जो है गिरफ्त में लिया गया है, जिसके बारे में एनआईए की टीम पूछताछ के बाद बाहर निकली थी इनके बारे में। जिसके बाद उन्होंने योगेश भाटी से बात की और उसने मीडिया से बताया कि उसका नाम इस केस में लिया जा रहा है और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो लगातार मामले तो थे, 3-4 मामले थे काफी। नहीं, इसमें ये आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड हुआ उसमें भी आपका भी नाम आ रहा था इसमें बीच में, इसलिए नहीं, वो नाम आ गया, बाकी अपना कोई मैटर नहीं। नहीं, मामला वो ये भी था कि तो कुछ भी दे सकते। नहीं, वो भी था कि दो आरोपी जो फरार चल रहे थे उनको आपने नागदा और उज्जैन में शरण दिलवाई थी यहाँ पे। ना, अपना कुछ नहीं था।